करती रहती है, लेकिन अगर उनकी एक्सटेंसिव फिशिंग हो जाए, मतलब उनका शिकार जो है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाए, तो हम क्या करते हैं लेबॉरेटरी कंडीशन के अंदर इंड्यूस स्पॉनिंग करते हैं, ऐसे हारमोन्स उनके अंदर इंजेक्ट करते हैं जिनकी वजह से वो ओवोलेट करते हैं। मतलब ओवोलेशन का मतलब होता है लेइंग ऑफ एग, एग को ले करते हैं। तो इंड्यूस स्पॉनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं फिशेज की, उनके अंदर ये किया जा सके। ये जो हम आगे एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं ये फिश है बड़ी इंडोनेशियन, ये उसके अंदर जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसी एक पेपर से ये जो है डाटा सारा लिया गया। इसमें हम काफ़ी सारे हारमोन्स जो हैं वो इंजेक्ट करते हैं और उसमें से एक हारमोन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ओवा प्रिमिन, क्योंकि ये एक हारमोन है जो कि फिश के अंदर फीमेल के अंदर भी लगाया जाता है और मेल के अंदर भी लगाया जाता है। इसमें सर जी जी सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, सॉरी एक मिनट चलू गया। ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर 5 है हमारा, वैसे तो मेरे ख्याल में 6 है, प्रैक्टिकल नंबर 6 होगा। ठीक है, तो इंड्यूस स्पॉनिंग जो है हम बेसिकली करते हैं इसलिए ताकि जो हैचरी है हमारी, जो हम मेन को छोटे छोटे से तालाब बना रखे होते हैं, उनके अंदर हम क्या करते हैं ओवुलेशन के लिए फोर्स करते हैं। फोर्स हम इसलिए करते हैं ताकि कोई इंडेंजर्ड स्पीशीज है जिसकी जो तादाद है वो जल्दी से ख़त्म होती जा रही है, तो उसकी तादाद जो है उसको बढ़ाया जा सके। तो इंड्यूस स्पॉनिंग के अंदर हम काफ़ी सारे हारमोन्स इंजेक्ट करते हैं फीमेल फिश के अंदर भी और मेल के अंदर भी, और उसमें एक हारमोन जो इम्पॉर्टेंट है वो है ओवरब्रीड। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट आगे आप लोग पढ़ेंगे, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था इंडोनेशियन फिशर है उसके अंदर, और उसमें जो है हारमोन अब देखते हैं कि प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया गया। अब 3 डोजेजेस ली गई ओवरब्रीड की और इनको इंजेक्ट किया गया फीमेल के अंदर भी और मेल के अंदर। जो फीमेल थी उनके अंदर 3 तरह की डोजेज थी, 1.3 मिलीलीटर पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, कि फिश का जितना बॉडी वेट था उसके 1 किलोग्राम में, अगर सपोज हम कहते हैं कि 3 किलोग्राम फिश का वेट था, तो उसके अंदर क्या किया गया कि 0.9 मिलीलीटर जो है वो इंजेक्ट करेंगे, तो 0.3 मिलीलीटर पर किलोग्राम जो है हम उसके अंदर इंजेक्ट करते गए ओवाक्रीम को। फिर एक और हमने डोजेज जो थी दूसरी डोजेज जो थी वो 0.5 मिलीलीटर वाली थी, और आखिरी जो थी वो 0.7 मिलीलीटर वाली। ठीक है, और मेल्स के लिए हमने एक ही डोजेज सेलेक्ट की और वो क्या थी 0.15 मिलीलीटर पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट जो था वो हमने यूज किया। अब 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम 2 तरह के ग्रुप्स को इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास होता है कंट्रोल ग्रुप जो कि नॉर्मल जो कि नेचुरली वो नेचुरली स्पॉनिंग कर रहा होता है, ठीक है, और एक होता है वो ग्रुप जो कि हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसको जो कि नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा होता, उसके अंदर हम इंड्यूस स्पॉनिंग जो है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर करेंगे। तो कंट्रोल ग्रुप जो थे उनके अंदर उनको फिजियोलॉजिकल सोल्यूशन दिया गया 0.9% NaCl और डोजेज उसकी थी 0.25 मिलीलीटर पर किलोग्राम। अब तो एग कलेक्शन थी वो हमने किस तरह से की, अब ये हमारे पास डोजेज आ गई कि इतनी डोजेज हमने फीमेल को देनी है, इतनी डोजेज जो है हमने मेल को देनी है। अब जो प्रोसीजर था वो हमने किस तरह से किया, तो फिश को फीमेल ब्रूड फिश थी इसको हमने 2 मरतबा इंजेक्ट किया। पहला इंजेक्शन जो है हम कहते हैं कि 8 बजे हमने उसको दे दिया, रात के 8 बजे जो हमने उसको पहला इंजेक्शन लगाया विद हाफ ऑफ द कैस्टेड डोजेज। ये 8 बजे आप कोई भी टाइम ले सकते हो, ठीक है, आप सपोज आप 6 बजे का टाइम दें, ठीक है, तो उसके 6 घंटों के बाद आपने दूसरी डोजेज देनी है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि पहली डोजेज आपने दी, सपोज आपने 8 बजे जो है आधी डोजेज जो है उसको दे दी, ये जो अगला इंजेक्शन होगा जो आधी डोजेज बची हुई है उसको आप लोगों ने लगाना है 6 घंटे के बाद। ठीक है, ये लगाने के बाद फिर 6 घंटे जब गुजर जाएंगे दूसरी डोजेज लगाने के 6 घंटे बाद, अब जो फीमेल है वो ओवुलेट कर देगी
वो क्या करेगी, जो एग है वो ओवरी से, हम ओवरी से रिलीज करते हैं। अब ओवरी से जब वो रिलीज करेगी तो आप उसके जो बैली होती है, एब्डोमिन होता है, उसके ऊपर जब आप थोड़ी सी फिंगर भी टच करेंगे तो उसके एग्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। आपने उन एग्स को कलेक्ट कर लेना है एक प्लास्टिक की जार के अंदर और उसको रख लेना है किसी भी आइस बॉक्स के अंदर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे आपने उसको रख लेना है आइस बॉक्स। अब आपके पास एक जो है फीमेल के अंदर आपको क्या मिल चुके हैं, उसके गैमेट्स मिल चुके हैं जो कि ओवम। अब आ जाएं आप मेल के पास। जब आप मेल के अंदर जो इंजेक्शन है उसमें आपने सिंगल डोज लेनी है और वो सिंगल डोज जो है वो 0.25 मिलीलीटर पर किलोग्राम जो है आपने लेनी है। ये मैं जो इंडोनेशियन फिश का बता रहा था तो ये साइबन फिश जो है इसका नाम है और साइबन फिश ये मलेशिया के अंदर भी पाई जाती है, ये इंडोनेशिया के अंदर भी पाई जाती है। तो मेल जो थी इसको सेक्रीफाइस कर दिया गया, इसको मार दिया गया। एक एमएस जो है इसको, ये इसका पूरा नाम है मिथाइल सल्फोनेट, ठीक है, ये बेसिकली एक साल्ट है। ये हम जो है इसको डालते हैं इसके अंदर जो मेल फिश होती है और उसको हम उसके जो कैसलीज हैं उसको मार देते हैं और उसमें से कैसलीज में वो रिमूव कर देते हैं और कैसलीज को रिमूव करने के बाद जो है उनको सीजर्स की मदद से, कैंची की मदद से खोल लेते हैं और उसमें से सीमन जो होता है उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जब आप सीमन जो है वो निकाल लेते हो तो उसके अंदर सीमन के अंदर बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर उसके स्पर्म होते हैं। तो दूसरे गैमेट्स भी आपको मिल गए और इनको भी आपने कहाँ पे रख दिया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आइस बॉक्स के अंदर आप लोगों ने इसको रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करना है, अब इनकी करानी है फर्टिलाइजेशन। एग भी आपको मिल चुका है और स्पर्म भी फिश का मिल चुका है और सेपरेट बॉक्सेस के अंदर वो आपको मिल चुका है। अब आप क्या करते हो, आप एक कैलिस्टर है, एक प्लास्टिक बेसन लेते हो जिसका वेट वॉल्यूम होता है वो 500 मिलीलीटर। आपने एक किसी भी विकेट की मदद से या जो भी चीज़ आप यूज कर रहे हो उसकी मदद से आपने 5 मिलीलीटर एग का सोल्यूशन ले लेना है और 1 मिलीलीटर जो है आपने स्पर्म का सोल्यूशन जो है वो ले लेना है। जब आप उसको लेते हो, लेने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने एक सोल्यूशन पड़ा होता है फर्टिलाइजेशन सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर 4 ग्राम यूरिया होता है और 3 ग्राम जो है वो NaCl होता है। इन दोनों को जो आपने 1 मिलीलीटर एग लिए हैं और 1 मिलीलीटर स्पर्म लिए हैं, आपने इन दोनों को डाल देना है उसी की सोल्यूशन के अंदर और 5 मिनट तक आप लोगों ने इसको रखना है। ठीक है, अब जब इसको रखने के बाद फिर इसको जो आप मिक्सचर है इसको आप लोगों ने रख देना है पोर्टेबल एरेटर यानी कि जिसमें धुआं गुजर सके या LED लैंप के अंदर जो आपने 24 घंटे के लिए आपने इसको रख दिया। रखने के बाद जो है अब नेक्स्ट आप क्या करते हो कि आपने 100 एग्स लिए थे, ठीक है, इसी तरह से आप मतलब जो सोल्यूशन लेते जाओगे उसमें हर एक सोल्यूशन जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ एग्स जो है उसके अंदर होंगे और 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर उसका रखते हो। फर्टिलाइजेशन का आप लोगों ने टाइम याद रखना है 8 घंटे के बाद जो है, जैसे इंक्यूबेशन आपने करनी है, सपोज आप करते हो इंक्यूबेशन आप 24 आवर्स के लिए करते हो, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है वो 8 घंटे के बाद जो है वो एब्जॉर्ब हो गई। अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं वो पैक हो जाते हैं, पैक का मतलब होता है अनक्लियर, साफ साफ नहीं होता, ठीक है। तो आपने उसको क्या करना है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा उसके कलर से लग रहा होगा कि ये साफ नहीं है, आपने उसको रिमूव करते जाना है और बाद में वो 2 घंटे तक जो है आप लोगों ने ऑब्जर्व करना। अब ऑब्जर्व करने के बाद आप लोगों ने जो पैरामीटर्स मेयर करने हैं वो क्या करने हैं, एक तो लेटेंसी पीरियड मेयर करना है, एक आपने रिलेटिव नंबर ऑफ ओवुलेटेड एग्स लिए थे, एग का डायमीटर कितना था, फर्टिलाइजेशन का रेट क्या था, हैचिंग का रेट क्या था और सर्वाइवल रेट क्या था, ओनली 40 आफ्टर हैचिंग 1 मिनट। ये 8 घंटे के बाद जो है उसकी फर्टिलाइजेशन हुई और 40 दिनों के बाद जो है उसकी हैचिंग होगी। जब हैचिंग होगी तो आपने ये पैरामीटर जो है वो आपने मेयर करना है, लेटेंसी पीरियड मेयर करना है, फिर आपने रिलेटिव नंबर ऑफ ओवुलेटेड एग्स ये मेयर करने हैं,
आपने एच का डायमीटर मेजर करना है, फर्टिलाइजेशन रेट जो है आपने वो मेजर करना है, फिर आपने जो है वो हैचिंग का रेट और सर्वाइवल रेट जो है इसको आप लोगों ने क्या करना है मेजर कर लेना। अब लेटेंसी पीरियड कैसे मिलेगा आपको, इट इज अ टाइम बिटवीन द सेकेंड इंजेक्शन एंड ओवुलेशन। ओवुलेशन के दौरान आपने जिनकी दूसरा इंजेक्शन लगाया और उसमें ओवुलेशन जो है वो कितने टाइम में हुई उसको हम कहते हैं लेटेंसी पीरियड। जिसमें आप आपने ऊपर देखा है कि आपने जब सेकेंड डोजेज ली उसके 6 घंटों के बाद जो है वो पेशेंट ने ओवुलेट कर दिया, एग जो है वो प्रोड्यूस कर दिया, तो ये जो पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं लेटेंसी पीरियड बोलते हैं। ये हर डोजेज जो हम दे रहे होंगे उसकी वजह से लेटेंसी पीरियड जो है वो डिफरेंट होगा उससे। रिलेटिव नंबर ऑफ ओवुलेटेड एग्स जो है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। आपने क्या करना है टोटल नंबर ऑफ रिलीज एग्स को आफ्टर ओवर पेरेंट इंजेक्शन टोटल बॉडी वेट टोटल नंबर जो रिलीज हुए हैं हार्मोन लगाने के बाद, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना है फीमेल ग्रुप फिश के बॉडी वेट के। फिर इसी तरह से फर्टिलाइजेशन हैचिंग सर्वाइवल रेट्स ये सारे के सारे कलेक्ट कर लेने हैं, ये कैलकुलेट कर लेने हैं। और रिजल्ट्स में आप लोगों ने ये वाला जो है ये है उनका अपना एक्सपेरिमेंट, ये आप लोगों ने टेबल जो है ये नहीं, ठीक है, ये उनका अपना जो जो उन्होंने पेपर के अंदर लिखा हुआ है वो सारा सारा उन्होंने उठा के यहाँ पे रख दिया है। आपने जो बात याद रखनी है अब जब आप इसको देखते हो ना, ठीक है, मिलीलीटर पर किलोग्राम हम कहते हैं कि 0.7 है, ये 0.5 है, ये 0.2 है या 0 है, तो जो हमारे पास 7 मिलीलीटर है या 0.7 मिलीलीटर हम कह रहे थे 7 मिलीलीटर हम सपोज करें, तो 7 मिलीलीटर की जो कह लेंगे लेटेंसी पीरियड होगा और जो आपका सेरेटिव नंबर ऑफ एक्स होंगे फर्टिलाइजेशन रेट होगा ये बहुत ज़्यादा ये क्या हुआ है कि इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखें आप इसका डिफरेंस देखें कि 11 से आप डिफरेंस यहाँ पे चला गया 19 तक, 60 से यहाँ पे 76 हो गया, 56 से 76 हो गया, 79 यहाँ पे 38 था यहाँ पे 79 हो गया। आगे वो रिजल्ट में ये लिखा हुआ है कि मिलीलीटर पर किलोग्राम बॉडी वेट जब हमने दिया वो गर्म, उसकी वजह से 3 और 5 के अंदर जो था डिफरेंस वो बहुत कम था। यहाँ पर आगे जो है ये 3 मिलीलीटर और 5 मिलीलीटर जब आपने दिया तो उस वक्त जो डिफरेंस था वो कम था। ये यहाँ पर भी देखें आप 10.67 है और 11.02 तो डिफरेंस बहुत कम है। यहाँ पर आप देखो तो आपका डिफरेंस 60.00 है, तो यहाँ पर भी इसी तरह से 60.00 है, इसमें डिफरेंस है ही नहीं। फिर आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पर भी आपस में डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो कम ही है, यहाँ पर भी उसी तरह से कम है। तो आप लोगों ने ये लिखना है, नीचे आपका रिजल्ट जो है वो लिखा हुआ है, ये चीज़ आप लोगों ने लिख लेनी है कि रिलेटिव नंबर ऑफ ओवुलेटेड एग्स फर्टिलाइजेशन हैचिंग एंड सर्वाइवल रेट पर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ओविपरम डोजेज। क्योंकि ओविपरम की डोजेज आप बढ़ाते गए तो उसकी वजह से नंबर ऑफ ओवुलेटेड एग्स भी बढ़ते गए, फर्टिलाइजेशन भी बढ़ती रेट भी बढ़ता गया, हैचिंग का रेट भी बढ़ता गया और सर्वाइवल रेट भी बढ़ते गए। लेकिन जो 3 मिलीलीटर पर किलोग्राम बॉडी वेट था या 5 मिलीलीटर पर किलोग्राम बॉडी डोजेज थी उनका डिफरेंस जो था वो सिग्निफिकेंट था, वो थोड़ा, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल है, सबसे पहला काम आप लोगों ने इसमें ये करना है कि आपने पहले मेजर कर लेनी है डोजेज जो आप उसको सप्लाई कर उसको लगा रहे हो, वो आपको पता होनी चाहिए कि फीमेल के लिए कौन कौन सी डोजेज आप इस्तेमाल कर रहे हो और मेल के लिए आप कौन कौन सी डोजेज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। फिर आपने टाइम को देख, पहला फीमेल को 2 इंजेक्शन लगाने हैं और मेल को 1 ही डोजेज है। फीमेल को 2 इंजेक्शन किस तरह से लगाने हैं कि पहला इंजेक्शन आप लगाते हो सुबह आप 8 बजे लगाते हो या आप 9 बजे लगाते हो या आप सुबह 6 बजे लगाते हो, तो उसके आधी डोजेज उस वक्त लगा देनी है, आधी डोजेज उस वक्त लगानी है जब उसको 6 घंटे गुजर सकते हैं।
घंटे बाद आपने दूसरी डोजेज लगाई और उसके भी 6 घंटे बाद जो है वो ईमेल जो है ओवरलेट कर देगी, एक्स प्रोड्यूस कर देगी। आपने उसको एक्स को एक प्लास्टिक की जार में आपने फिंगर आप उसके अकाउंट में लगाएंगे तो एक्स जो वो सारे के सारे आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आ जाएंगे आपने उसको प्लास्टिक जार के अंदर डालना है और उसको स्टोर कर लेना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड आइस बॉक्स के अंदर। इसी तरह से मेल को आपने उसके टेस्ट मेल को मार के सेक्रीफाइस कर देंगे, आप उसको बेसिकली मार के उसके टेस्टिस जो है वो रिमूव कर लेने हैं। टेस्टिस को रिमूव करने के बाद उनको सीजर्स की मदद से जो है वो खोल लेना है और उसमें से सीमन जो है वो निकाल लेना है। सीमन के अंदर स्पर्म्स होंगे और उसको भी आइस बॉक्स में जो है आप लोगों ने उसको डाल दें। फिर अब उनकी फर्टिलाइजेशन करवानी है। फर्टिलाइजेशन के लिए हम स्पेसिफिक कंटेनर यूज़ करते हैं जिसको हम लिस्टा कहते हैं या ब्लास्टिक बेसिन कहते हैं। इनके अंदर हम एक सॉल्यूशन डाल देते हैं जिसमें 4 ग्राम यूरिया होता है और 3 ग्राम NaCl पर लीटर जो है वो सॉल्यूशन अंदर मौजूद होता है। अब इसमें 1 मिलीलीटर हम फर्टिलाइजेशन सॉल्यूशन देते हैं, 1 मिलीलीटर एग्स डाल देते हैं और 1 मिलीलीटर जो हम डाइल्यूटेड स्पर्म्स जो है वो डाल देते हैं और इसको इसका कॉन्टैक्ट जो है वो देखते हैं कि 5 मिनट तक इसको कॉन्टैक्ट को देखते हैं। फिर इस जो जहाँ पर हमने जो है इसकी इंटीग्रेशन इसको हम 24 आवर LED लैंप के अंदर डाल देते हैं। 8 घंटे के बाद आपको इसकी फर्टिलाइजेशन नजर आएगी और 40 दिन के बाद जो है वो डिस्प्ले कैच कर जाएगी। फिर आप लोगों ने इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आप लोगों ने इसके डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो आप लोगों ने देखे हैं किस तरह से आप मेयर कर रहे हो। लेटेंसी पीरियड मेयर करना है आपने, रिलेटिव नंबर आप लोगों देखे एक्स मेयर करने हैं, एक्स का डायमीटर करना है, फर्टिलाइजेशन रेट मेयर करना है, हैचिंग रेट मेयर करना है और सर्वाइवल रेट जो आप लोगों ने ये सारे पैरामीटर्स जो है मेयर करने हैं और उनको आप लोगों ने एक लेबल की फॉर्म में लिखने हैं। लेकिन क्योंकि ये हमने खुद नहीं किया हम ये लेबल जिसको रहने देंगे, ये वाली जगह आप लोगों ने नहीं बनानी। आप रिजल्ट के अंदर सिंपली यही लिख रहे हैं कि जैसे हम वो भी पैरामीटर डोजेज बढ़ाते जाते हैं तो सारे जो पैरामीटर हम क्लियर कर रहे हैं वो सारे के सारे इंक्रीज होते हैं। लेकिन वो जो डिफरेंस 3 मिलीलीटर पर किलोग्राम है या 5 मिलीलीटर पर किलोग्राम है वो जो डोजेज का डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो कम होना चाहिए। दैट्स ऑल आज के लिए, सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल काफ़ी है। तो जी जी सर वो जो फीमेल डोज दे रहे थे वो दोनों दोनों एक ही चीज़ डोज दे रहे हैं या डिफरेंट दे रहे हैं?